पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आदरणीय राहुल जी ने जिस तरह से हम सब नए लोगों को मौका दिया है आगे आने का और राजनीति के दरवाजे आम परिवार के लोगों के लिए खोला है, उसी की वजह से आज मुझे ये मौका मिला कि दूसरी बार मैं अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि राजनीति में युवाओं को और विशेष तौर पर महिलाओं को स्थान देने का काम राहुल जी के नेतृत्व में हुआ है और हमने अनेक नए लोगों को जो कि किसी भी तरह के राजनीतिक परिवार से नहीं थे, मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, उनको जो आदरणीय राहुल जी से मौका मिला, इसको मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि समझती हूँ। और राजनीति का हमारा लक्ष्य है कि हम इसी तरह से और अनेक नौजवानों को मौका दे सकें। आदरणीय सोनिया जी ने और राहुल जी ने हमेशा ये प्रयास किया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। स्वर्गीय राजीव जी ने जब पंचायतों की कल्पना की थी तब उन्होंने एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया था और अब वो बढ़कर कई राज्यों में 50% आरक्षण हुआ है, तो बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आई हैं। और आने वाले समय में अगर 33% का आरक्षण विधानसभा में और लोकसभा में होता है तो निश्चित तौर पर महिलाओं के मुद्दों को लेकर और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर संवेदनशीलता सदन में बढ़ेगी और इसके लिए मैं समझती हूँ कि महिला आरक्षण बहुत जरूरी है।